हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी होली किचन टूल्स बाय अवनीत बब्बर की तरफ से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हूँ 5 मस्ट बाय सिपर इन दिस सीजन। जी हाँ, गर्मियों के लिए बहुत एक अच्छे सिपर्स हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने शो करने वाला हूँ। टोटल 5 रेंज है, एक एक करके मैं आप लोगों के सामने शो करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, बाय मिल्टन ट्रियो, जो ये डिटॉक्स वाटर के लिए है। जी, आपको देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, और मेन बात क्या है, ये प्लास्टिक के अंदर नहीं है, ग्लास के अंदर है। डिटॉक्स बॉटल जो है मेनली पहले प्लास्टिक में आती थी, जो कि काफी अनहाइजीनिक होता है, प्लास्टिक हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। ये क्या है, प्रॉपर इन्होंने कांच के अंदर निकाला है, विद 750 ml की कैपेसिटी है, और डिटॉक्स का एक अपना बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आपको इसमें डिटॉक्स वाटर करके भी दिखाने वाला हूँ, तो एक बार मैं वो भी आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैंने करी हैं उसका बहुत फ़ायदा है। जैसे अगर कोई मोटे फैटी लोग होते हैं, वो अगर इस डिटॉक्स वाटर को पिए तो उनका जो बेली फैट है वो भी कम होता है, रिड्यूस होता है, और जो मतलब अपना रनिंग करते हैं रेगुलर, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट भी डिटॉक्स वाटर करता है। अब इसके बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। पहले मैं इसे बनाते कैसे वो आपको बताता हूँ। पहले मैंने कुछ फ्रेश फ्रूट्स अभी कट किए हैं हाल ही में, और उसे मैं इसमें डालूंगा और आपको बता दूं मैंने क्या क्या किया है। लेमन है, फ्रेश लेमन, फ्रेश स्ट्रॉबेरी, फ्रेश कीवी, फ्रेश आपका ग्रेप्स हैं थोड़े बहुत, उसके बाद पुदीना हो गया, मिंट जिसे हम कहते हैं, या फिर और है मेरे पास चीकू। अब मैं इसमें आपको पहले पानी फिल करके दिखाता हूँ। इस तरीके से इसका जो कंपार्टमेंट है, इसमें सारे फ्रूट्स आ जाने वाले हैं। इस तरीके से मैंने इसे ओपन किया। सबसे पहले इसमें लेमन डाल देते हैं, लेमन ये रहा इस तरीके से, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, और भी आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि कुकम्बर डाल सकते हैं आप, या जो भी आपको अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। जो मिंट है इस तरीके से आप डाल सकते हैं इसमें, ऐसे किस ऐसे। इसमें क्या है, फ्लेवर अच्छा आ जाता है मिंट का लेमन का, इनके फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऊपर भी ये इस तरीके से स्ट्रॉबेरी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। अब इस तरीके से पूरा प्रॉपर फिल हो चुका है, ये इसका लिड है। इस तरीके से इसे यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसे मैं पहले वाटर डाल के फिल कर देता हूँ पानी से। इस तरीके से 1/2 liter वाटर है, अब इसे पूरा भी फिल कर सकते हैं, और ये इस तरीके से इसके अंदर डिप हो गया इस तरीके से। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, ऊपर तक वैसे तो पानी भरा होना चाहिए, तो मैं और पानी भर देता हूँ पहले। तो जैसे कि अब ये मैंने पूरा ऊपर तक पानी भी इसमें फिल कर लिया है, और काफ़ी अच्छी इसकी अभी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर बन चुका है। अब इसे अगर आपने इंस्टेंट पीना है, लाइक आपने अभी बनाया है और आपका मन है कि आप अभी पी लें, तो इसे शेक कर लीजिए इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ, और मैं शेक कर रहा हूँ तो पानी लीक भी नहीं हो रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है कि पानी लीक नहीं होता इसमें, मतलब बॉटल में। मैंने पूरा टिल्ट भी कर दिया है तो भी इसमें पानी लीक नहीं हो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और अब कांच की है तो कांच में वैसे ही रखना बहुत अच्छा होता है। इससे डिटॉक्स वाटर का क्या बेनिफिट होता है, अगर आप थोड़ा ड्यूरेशन लाइक थोड़े गैप में के बाद अगर इसमें पानी पिए तो भी बहुत अच्छा है, और अगर इसमें पानी खत्म हो जाए तो आप उसे रिफिल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने दोबारा से उसको मतलब लाइक दोबारा से आपने फ्रेश उसमें फ्रूट्स या जो भी आपने कॉन्टेंट डालना है आपने डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आप उसे रीयूज कर सकते हैं उस पानी को। और ये कांच की है, कांच में वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इस तरीके से अब ये डिटॉक्स हो चुका है पूरा का पूरा, और इसी को आप डायरेक्ट ऊपर करके सिप करके पी भी सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरी पानी आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, काफ़ी अच्छा है हेल्थ के लिए भी। अब इस बॉटल के कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इधर सामने जो फोटो है आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। एक तो डिशवॉशर सेफ है, सेकेंडली माइक्रोवेव सेफ है, क्योंकि ये बोरोसिलिकेट ग्लास के अंदर है। बोरोसिलिकेट ग्लास का क्या बेनिफिट होता है, पतला ग्लास कांच होता है, ड्यूरेबल होता है, और उसमें कोई भी सिंगल डॉट भी विजिबल नहीं होता। BPA फ्री इसका लिड है जो कि नॉन टॉक्सिक हो जाता है। इन्फ्यूजर कैप है, एंड +300 degree to -40 degree Celsius तक आप इसे रख सकते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है। बाय मिल्टन है ये, और इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 325 इसकी MRP है, जिसपे कि बहुत अच्छा डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे ओपन करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपना डिटॉक्स वाटर कैसे तैयार करते हैं, या जो मैंने आपको तैयार करके दिखाया वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा। अब फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला मॉडल सिपर का जो मैंने अनबॉक्स किया है। अब मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूँ।
तो ये है दूसरे नंबर पे जो सिपर है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसका नाम है आइस कप। इसका नाम आइस कप क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से ये दूसरे वाला सिपर है जो कि बहुत अच्छा अपने आप में ही। इसका नाम आइस कप है। आइस कप क्यों है उसका रीजन है वो मैं आपको बता दूं, साथ ही दूसरे वाले भी इसके कलर आपको खोल के दिखा दूं। इस तरीके से ऊपर से छोटा सा नोजल है, इसका सिपर है और यहाँ से पूरा का पूरा इंसुलेटेड ये सिपर है। इसके मैं दूसरे कलर भी आपके सामने खोलता हूँ और इसका क्या बेनिफिट है वो भी आपको बताता हूँ। एक इस तरीके से पहले नेचुरल कलर है बिल्कुल वाइट के अंदर, और जो तीसरा कलर है, तीसरा कलर भी इसका काफी सुंदर है, ऑरेंज कलर के अंदर है। जी हाँ, इस तरीके से काफी सुंदर है तीनों के तीनों कलर ही, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो ऑरेंजिश कलर हो या वो ब्लू कलर हो। इसका क्या बेनिफिट है, अब मान लीजिए ये सिपर है, इस सिपर को आपने डायरेक्टली आपने फ्रिज में रख दिया तो इसका जो बाहर जेल फॉर्म है, जेल फॉर्म जो है वो पूरा फ्रीज हो जाता है। उसका फ्रीज होने का क्या बेनिफिट है कि आपको आइस क्यूब डालने की जरूरत नहीं है। आइस क्यूब जैसे गर्मियां हैं, आइस क्यूब जो है गले में दिक्कत दे सकती है, बट अगर ये पूरा जेल जो है फ्रीज हो जाएगा, वो ठंडा होगा, उसके बाद आपका कोई भी जैसे लिक्विड कॉन्टेंट है तो वो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ठंडा रहने वाला है। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट है और काफी सुंदर है ये। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके तीनों के तीनों कलर ही काफी सुंदर है, और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो प्राइस भी काफी इकोनॉमिकल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके आप इसका प्राइस भी चेक कर सकते हैं। ये था दूसरा सिपर। अब इसके अलावा हम तीसरे सिपर पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड में है हॉट एंड कोल्ड फ्लास्क के अंदर सिपर, जो कि आपका टेम्परेचर बॉटल के नाम से फेमस है। इसे मैं अनबॉक्स करता हूँ और आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो बताता हूँ। इस तरीके से ये है थर्मोस्टील के अंदर, काफी इकोनॉमिकल है ये भी। और इसके एडवांटेज क्या है कि इसके ऊपर आपको टेम्परेचर आता है, जैसे कि अभी मैं इसमें शो हो रहा है 26 डिग्री। जी हाँ, जो इसके अंदर का टेम्परेचर है वो इसके लिड में आप प्रेस करेंगे हल्का सा, ऐसे जस्ट टच करना है, प्रेस भी नहीं, टच करना है। टच करते ही वो आपको अंदर का टेम्परेचर बता देगा। इस तरीके से इसका अंदर हम खोलते हैं, पूरा प्रॉपर थर्मोस्टील है, अंदर एक नेट है। नेट का क्या फायदा है, जैसे मान लीजिए आप ग्रीन टी पी रहे हैं, ग्रीन टी का जो पार्टिकल्स है वो उसके अंदर ही रहेगा और आपको पूरा का पूरा जो फ्रेश आपका गर्मा गर्म ग्रीन टी आप पी रहे हैं या कुछ भी आप लिक्विड कंटेंट पी रहे हैं वो आपको पूरा सही आने वाला है, सही मिलने वाला है। इस तरीके से पूरा अंदर से भी काफी अच्छा ही है और 500 ml के अंदर इसका कैपेसिटी है। ये टेम्परेचर बॉटल के नाम से आता है, हॉट एंड कोल्ड है और बहुत अच्छी चीज़ है, एक लेटेस्ट है बिल्कुल इसी साल के लिए। ये था मेरा थर्ड अनबॉक्सिंग जो कि सिपर की रेंज में है और ये भी काफ़ी अच्छा है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्राइस चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ उसकी तरफ, फोर्थ सिपर की तरफ। तो ये है फ्रेंड्स फोर्थ जिम शेकर सिपर। इसका क्या बेनिफिट है, नॉर्मली जो जिम शेकर्स आते हैं सारे प्लास्टिक के अंदर आते हैं, ये डबलिन कंपनी का है, प्रॉपर स्टील के अंदर ये सिपर है। इसका क्या एडवांटेज है, टोटल जो ऊपर वाला पार्ट है आपका 750 ml कैपेसिटी के अंदर है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। नीचे एक कंटेनर है जिसमें आप प्रोटीन पाउडर या कोई भी आप जैसे रसना का पाउच होता है वो भी आप रख सकते हैं इसके अंदर। इस तरीके से बंद हो जाने वाला है और इस तरीके से हम इसे ओपन करते हैं। स्टील 304 ग्रेड का स्टील है जो कि कभी भी चटकेगा नहीं, बाय डबलिन है। इस तरीके से अंदर एक रिंग है स्टीलनेस स्टील के अंदर, जो कि आपका प्रोटीन जो है शेक करने में काफ़ी मदद देने वाला है। और जब भी आप इसे यूज़ करें ऊपर से हमेशा फिंगर रख के करें, फिंगर हटाइएगा नहीं ताकि उसका खुलने का चांस भी ना रहे। इस तरीके से आप इसे शेक कर सकते हैं। ये था मेरा लेटेस्ट फोर्थ अनबॉक्सिंग जो कि ये भी काफी लेटेस्ट है, बाय डबलिन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ। अब ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ, गर्मियों के लिए काफी अच्छी चीज जो कि आपकी हेल्थ को भी बहुत बढ़िया रखने वाला है, मेंटेन रखने वाला है। जी हाँ, ये है हैमर्ड कॉपर बॉटल। हैमर्ड कॉपर बॉटल बहुत बढ़िया है, काफी इसका अच्छा गेज है। इसकी जो शाइनिंग है, शाइनिंग भी इसकी काफी अच्छी है क्योंकि ऊपर लेकर हुआ है। लैकर का क्या बेनिफिट रहता है कि कॉपर जो है वो परमानेंट, मतलब काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऐसे ही चमकता हुआ रहता है, गंदा नहीं होता, काला नहीं होता। इसका क्या एडवांटेज है, ऊपर इन्होंने सिलिकॉन की रबड़ दी हुई है कंपनी ने, ताकि ये बॉटल अगर टिल्ट भी हो तो लीक ना करे। अंदर से भी पूरा प्रॉपर सिंगल कॉपर की उसके अंदर है, शीट के अंदर है, हैमर्ड कॉपर बॉटल है इसका नाम। और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, रात को आप इसमें पानी रख के सुबह पीजिए, इसमें आपका कॉन्स्टिपेशन भी बढ़िया रहता है, कंजम्पशन भी इसमें बढ़िया रहता है, पेट भी साफ रहता है, और भी बहुत सारे मल्टीपल इसके यूसेज, मल्टीपल इसके एडवांटेजेस हैं कॉपर के।
और बाकी हैमर्ड कॉपर बॉटल नियर अबाउट आपका 900 ml की ये कैपेसिटी रखता है। और इसे भी अगर आप परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके आप इसमें भी बहुत अच्छा एक हैवी डिस्काउंट है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स मेरे सारे के सारे अनबॉक्सिंग, सारे के सारे रिव्यू टॉप 5 सिपर जो है, जो कि इन गर्मियों में आपके काफ़ी मदद आने वाले, काफ़ी यूज़ आने वाले हैं। और इनमें से आप कोई भी चीज़ परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सी चीज़ आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, या कौन सी चीज़ आप अभी परचेज करना चाहते हैं, या कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल अभी लेटेस्ट लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर करना चाहे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।